गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे इज आर थर्ड डे ऑफ हिंदी क्लास। आज हमारी हिंदी की क्लास का थर्ड डे है। सो ओपन योर फाइल्स, सभी बच्चे अपनी अपनी फाइल्स निकाल लो। एंड यस, ओपन योर पेन नोटबुक्स ऑल्सो। एंड आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल को अपने हाथ में रखना है, जैसे कि मैं डेली बोल रही हूँ, ठीक है। पेंसिल को अपने हाथ में रखना है और जो मैं रीड कर रही हूँ वो वर्ड आपको अपने सुनना है ध्यान से, और उस वर्ड को ध्यान से पढ़ना भी है। हाँ जी, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के महीने। हिंदी के महीने, आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी के महीने क्या होता है। हिंदी के महीने वही होते होंगे ना, जनवरी फरवरी, जो हम हिंदी में भी लिखते हैं जनवरी, ठीक है। बट नो, वो क्या होते हैं हिंदी के महीने, वो नहीं होते हैं। इंग्लिश में होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसी को आप हिंदी में लिख देते हो, ठीक है। वो आप हिंदी के महीने उसमें लिख देते हो, लेकिन ये रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको जो समझा रही हूँ, अब मैं आपको जो करा रही हूँ, वो है हिंदी के महीने। सो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के महीने। आपने कई बार अपने बड़े, जैसे कि आपके पापा मम्मी दादा दादी, इनसे सुना होगा कई बार कि सावन का महीना, श्रावण का महीना, चैत्र का महीना, ऐसा सुना है कभी? सुना ही होगा मैक्सिमम लोगों ने। अगर आपने नहीं सुना है तो आपने अपने मम्मी पापा और दादा दादी से पूछ भी सकते हो कि ये क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये महीनों के नाम होते हैं, हिंदी महीनों के नाम होते हैं, ठीक है। सो हम लोग रीड करते हैं। आप अपनी सबसे पहले अपनी फाइल में देखो। हाँ जी, हिंदी के महीने, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट मंथ का नेम होता है, पहले महीने का नाम होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र। उसको बोलना ध्यान से सीख लो, क्या होता है? चैत्र का महीना। सेकंड इज बैसाख। क्या होता है? बैसाख, बैसाख का महीना। थर्ड इज ज्येष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेठ भी बोल देते हैं, जेठ का महीना। फोर्थ इज आषाढ़। क्या होता है फोर्थ? आषाढ़। फिफ्थ इज श्रावण। फिफ्थ इज श्रावण, जिसको हम सावन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावन। हां जी, सिक्स्थ इज भाद्रपद। सिक्स्थ इज भाद्रपद, जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, और आपसे मैं पूछूंगी भी सही इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही प्रोनंसिएशन होनी चाहिए। आई नो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा इस बारे में। सो इसको बहुत ध्यान से सुनना और बार बार इसको रिपीट करके देखना अपने मन में, ठीक है। क्या है सिक्स्थ मंथ का नेम? क्या है? भाद्रपद, जिसको हम बोलते हैं भादो। सेवंथ मंथ इज अश्विन। सेवंथ मंथ इज अश्विन, कई लोगों का नाम भी होता है ना अश्विन, अश्विन का एक महीना होता है, ठीक है। एट्थ मंथ इज कार्तिक, ये भी कई लोगों का नाम होता है, तो ये भी इजी होगा आप लोगों के लिए। कार्तिक का महीना, ये कौन सा? एट्थ मंथ होता है, ठीक है। नाइन्थ मंथ इज मार्गशीर्ष। क्या होता है ये? मार्गशीर्ष। टेंथ मंथ इज पोष। टेंथ मंथ इज पोष। इलेवेंथ मंथ इज माघ। क्या होता है? माघ। और ट्वेल्थ मंथ इज फागुन, जिसको हम फाल्गुन या फागुन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है? ट्वेल्थ मंथ होते हैं, ट्वेल्थ ही हैं, वो इंग्लिश में होते हैं जनवरी फरवरी वाले, और ये हिंदी के महीने होते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, जैसे कि आप डेली कर ही रहे हो, आपको अपनी FNB ओपन करनी है, FNB में हेडिंग बनानी है, और FNB में ये लिखना है। हेडिंग होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेट और डे। उसके बाद लिखना है हिंदी के महीने, ठीक है। हिंदी के महीने लिखने के बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 इधर, 6 इधर, ठीक है। अच्छे से कलरिंग करनी है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, और इसको 1 2 3 4 जितने भी टाइम्स आप लिख सको, राइट कर सको, लिख लेना अपनी PNB में, 1 time ऑन FNB एंड 3 4 times इन PNB, क्योंकि आपको 1 time में तो लर्न होगा नहीं ना ये, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, अपनी PNB में इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको बार बार बोल के भी देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।